देखिए सबसे पहले आशुतोष वर्मा, शुरुआत आपसे ही करते हुए, संत समाज की नाराजगी मोल ले रही है समाजवादी पार्टी और चीलम जीवी कहने की क्या जरूरत थी? अब देखिए संतों की ओर से कहा जा रहा है कि माफी मांगे अखिलेश यादव, माफी मांगेंगे वो? नहीं चित्रा जी, ना ही हमने संत समाज के ऊपर कोई नाम लिया है और ना ही हमने किसी व्यक्ति का नाम लिया है। भाई ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई, और किसी को परेशान होने की जरूरत क्या है? क्या चिलम बोलना अब राष्ट्रीय गौरव, चिलम पीना क्या राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है क्या? और वैसे भी हम, आप तो उत्तर प्रदेश से आती हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से आते हूँ, हमारे वहां तो पहले भी बोला जाता है कि जब कोई लंबी लंबी फेंकने लगता है तो हम बोलते हैं क्या चिलम पी के आए हो क्या? तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी का नाम लेकर नहीं बोला, तो किसी को दुख क्यों हो रहा है? हमको समझ में नहीं आ रहा है, इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? ठीक है, जैसे ही संजी हमारे साथ जुड़ेंगे, जितेंद्र नंदन सरस्वती जी, मैं उनके पास आऊंगी। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, एक टिप्पणी जल्दी से आपकी भी ले लेती हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी संतों ने निशाने पर लिया है। ये कहा है कि चुनाव के ठीक पहले इन लोगों को बोको हराम, आईएसआई, इसकी याद आती है, देश की फिक्र नहीं है इनको, तुलना करते हैं हिंदुत्व की उससे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अगर कुछ भगवाधारी लोग हैं उनको संत या संत समाज कहा जाए तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। सच बात ये है चित्रा जी, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अचानक से आप जब कभी हम बात करते हैं कि सीमाएं चीन की असुरक्षित हैं तो भारतीय जनता पार्टी सेना के पीछे छुप जाती है, कहती है साहब सेना का अपमान कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि ये लोग चंदा चोर हैं, आपके साथ ही अयोध्या में थे हम, ये चंदा चुराए हुए लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम के पीछे छुप जाती, भगवान श्री राम का अपमान कर दिया। अरे भाई हम चंदा चोरों का अपमान कर रहे हैं। इसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को हम कुछ और कह देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिखंडी की तरीके से छुपती क्यों है, इस चीज को बताए ना, असलियत के मुद्दों पर आए। कोई किसी को चिलम जीवी कह रहा है गलत है, लेकिन किसी को टोटी चोर कहना भी तो गलत है, किसी महिला को सुरपणखा कहना भी तो गलत है, किसी महिला को 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना भी तो गलत है, किसी सम्मानित महिला को क्या ना विदेशी गाय और उसके बेटे को देसी बछड़ा कहना भी तो, विदेशी बछड़ा कहना भी तो गलत है। और ये जब सारी चीजें प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं तो प्रधानमंत्री जी से कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता, कोई संत समाज नहीं कहता कि साहब हमारा संस्कार किसी महिला को सुरपणखा कहने से रोकता है। कहा किसी संत समाज ने, जो ये लोग संतवाद जो बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे संत ही समाज के पीछे न छुपे। ठीक है, जैसे ही बीजेपी के नेता जुड़ेंगे इस सवाल का जवाब मैं ले लूंगी सुधांशु त्रिवेदी जी से। ठीक है, नहीं नहीं मैं ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिर्फ 30 सेकंड। और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी भी इस वक्त मेरे साथ आ चुके हैं। नहीं नहीं मैं लौटूंगी, एक बार उनकी बात हो जाए। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं, उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव ने तो इस संदर्भ में बात कही थी जो लंबी लंबी फेंकता है, यानी कि जो अपनी बातें पूरी नहीं करता है और तमाम तरह के सपने दिखाता है, चीलम जीवी को लेकर आपको क्यों लगता है कि अखिलेश यादव को संत समाज से, प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए? चीलम जीवी शब्द के साथ एक शब्द और है, आप उस शब्द को सोचे। इसने कहा है कि एक रंग के कपड़े पहनने वाले लोग, ये एक रंग के कपड़े पहनने वाले लोग कौन है? भगवाधारी, सिर्फ चिलमजीवी शब्द की बात नहीं है। और दूसरे, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, ये सबको भाजपा फला का समर्थक बता रहे हैं, भारत साधु समाज गुलजारी लाल नंदा जैसे व्यक्ति ने कांग्रेस के नेता ने बना के कांग्रेस समर्थक साधुओं की फौज 1953 में खड़ी की थी। और ये व्यक्ति बता रहा है जो कांची के शंकराचार्य की गिरफ्तारी कराने वाली सोनिया गांधी के बारे में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने लिखा है, हमने नहीं लिखा है, कि कैसे कैसे षड्यंत्र भगवा आतंकवाद की परिभाषा बनाने वाले लोग और इनके दलों के लोग। मुझे राजनीति में नहीं जाना और न राजनीतिक विषय मैं चित्रा जी लेना चाहता हूँ। मेरा इतना कहना है कि सुधांशु जी आरोप लगाएं, सुधांशु त्रिवेदी जी, समाजवादी पार्टी जवाब दे, कांग्रेस जवाब दे, गाली गलौज करो, खूब शौक से करो, तुम्हारा स्तर यही है, घटिया स्तर, बार बालक को नेता मानने वालों,